हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट जीरो सो हाउ आर यू ऑल आई होप ऑल आर वेल गाइज हमने पिछली वीडियो जो थी हमारे लेक्चर नंबर टेन जिसमें हम सेकंड चैप्टर अपना फिनिश कर दिया था आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर इलेवेन और चैप्टर थ्री इसमें क्या है गाइज़ इसमें हमें पता इसमें हमें इसका नाम ही है क्या आई वैल्यू फाइंड करना मतलब कि आई मान आई मान और इसमें है अभिलाक्षणिक समीकरण अभी लाक्षणिक सदिश और समीकरण भी इसी में है और इसमें है हमें करना है कैले है कैले है मिल्टन, मिल्टन थ्योरम को प्रूव करना है गाइस ये दो चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे ओके अभी हम समझते हैं कुछ डेफिनेशन कुछ हमारे डेफिनेशन क्या है हमने पिछले कुछ डेफिनेशन पढ़ ली थी और मैट्रिक्स के टाइप पढ़ लिए थे आज हम आगे बढ़ते हैं उन्हीं पर अपना नेक्स्ट है हमारा क्या कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होती है गाइस सबसे पहले हम यह समझते हैं क्या कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कॉम प्लेक्स मैट्रिक्स इसको हिंदी में कहते हैं हम सम्य आब्यू समय क्या होता है गाइस गाइस आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़कर आए होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर आए हो कि नहीं आए हो है ना तो वही उसी टाइप का मतलब कि कोई नंबर यदि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है मैट्रिक्स में यदि कोई भी नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमारी बाय मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाती है क्या गाइस यदि जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले रहे हम एग्ज़ाम्पल क्या है जैसे कि हमारी एक मैट्रिक्स है इसमें हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं है? और इसमें हमारे क्या एक हमारे मतलब इसमें हमने जोड़ दिए कॉम्प्लेक्स मतलब यहाँ पर हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर जुड़ गए जैसे कि आई जुड़ गया ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है मतलब तो जिस मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर देख जाए हमारी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाती है ओके okay? मतलब कि कोई भी नंबर यदि कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाती है ओके गाइस सिंपल एग्जांपल एग्जांपल के तौर पर ये हो जाएगा हमारा डेफिनेशन डेफिनेशन में अभी आपको लिखवा देता हूँ डेफिनेशन क्या होगी हमारी डेफिनेशन होगी हमारी जैसे कि कोई नंबर कोई कोई नंबर यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है. क्या है गाइस कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वह मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाती है क्या कहलाती है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स तो वह मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाती है ओके या कहलाता है अब हम नेक्स्ट समझेंगे अपनी कौन सी ये थी हमारी आज की पहली डेफिनेशन अब दूसरी डेफिनेशन दूसरी डेफिनेशन या दूसरी मैट्रिक्स क्या है हमारी वह है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कॉन्जू गेट कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स हिंदी में बोलते हैं इसको हम संयुगमी आब्यू संयुगमी समरिस आब्यू ओके समरिसके हमारी दूसरी डेफिनेशन है क्या कॉन्जुकेट कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होती है गाइस आपने पढ़ा होगा कि कॉन्जुगेट क्या होता है मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालें जैसे कि हमारा ये फोर प्लस का फाइव आई है फोर प्लस का फाइव आई यदि हम इसी का क्या निकालें कॉन्जुगेट निकालें कॉन्जुगेट तो कॉन्जुगेट के ऊपर बार लगा देते हैं मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर को बार लगा दिया तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाता है जहाँ पर प्लस होता है वहाँ पर माइनस और जहाँ पर माइनस होता है वहाँ पर प्लस तो ये हो जाता है हमारा क्या फोर माइनस का फाइव आई ये बन गई हमारी कॉन्जुगेट है ना इस इसी टाइप से हम इसमें करते हैं मतलब कि हमें एक मैट्रिक्स दी जाएगी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दी जाएगी तो हमें उसका कॉन्जुगेट निकालना है तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं ए बार से मतलब कि कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे व्यक्त करते हैं किससे ए बार से ए बार से व्यक्त ए बार से करते हैं इसे ए बार से व्यक्त करते हैं ओके okay गाइस इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए यहां पर जैसे कि किसी किसी भी क्या होता है कि किसी भी समरिस के क्या, क्या होती है हमारी कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स मैटर किसी भी समरस्यू के किससे संयुग्मी संयुग्मी से बने आभ्यु को संयुग्मी समरस आभ्यु कहते हैं संयुग्मी समरिस आभ्यु कहते हैं मैंने आपको बताया कि क्या होता है कॉँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस मतलब कि हम इसका संयोगमी निकालें तो जहाँ पर हमें दिख रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पर प्लस है और जहाँ पर माइनस है वहाँ जहाँ यहाँ पर माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस कर दो और यहाँ पर क्या है प्लस है तो यहाँ पर माइनस तो इसका जो कॉन्जुगिट बनेगा वही क्या कहलाती है हमारी कॉन्जुगिट कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाती है मतलब कि वही डेफिनेशन है क्या कि हमारी किसी भी समरसाब्यू के संयोगमी से बने आब्यू को संयोगमी समरसाब्यू कहते हैं एग्जाम्पल में यही वाला ले लेते हैं इसी का निकाल देते हैं तो ए बार क्या आएगा सिक्स वन वन थ्री यहाँ पर क्या है प्लस है ना तो यहाँ पर माइनस कर दो फोर माइनस का फाइव आई और यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस कर दो वन वन प्लस का थ्री आई ओके गाइज टू थ्री और यहाँ पर क्या है ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना ये तो हमारा प्लस में तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा माइनस का फोर आई हो गया गाइस एग्जाम्पल हो गया अब हम क्या करते हैं हम समझते हैं सबसे वेरी मोस्ट डेफिनेशन सबसे वेरी मोस्ट मैट्रिक्स तीसरे नंबर पर क्या है गाइस वह है हमारी हरमीसियन मैट्रिक्स हर मेसियन मैट्रिक्स बड़ी ध्यान से समझना गाइस इसको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस इसको हिंदी में कहते हैं हम हरमेटियन मेटियन आब्यू ओके गाइस हर्मेटियन आप्यू क्या होता है गाइस हर्मेटियन आप्यू जैसे कि हमें एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दी गई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ये दी गई आप याद रखना हरमेटियन आप्यू क्या होता है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दी गई हमने उसका कॉन्जुगेट निकाला कॉन्जुकेट निकाला जी हमने कॉन्जुकेट निकाल लिया अब जो कॉन्जुगेट निकाला तो इसी कॉन्जुगेट का हम ट्रांसपोज करें यदि हम इसी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करें जैसे कि ए बार है ए बार डैश करें तो हमारा जो आता है इसी को हम ए बार बराबर ए आ जाए मतलब कि हर मैट्रिक्स क्या होती है जैसे कि हमने क्या किया हमने ए बराबर ए बार निकाला और बार का हमने कर दिया डैश यानी कि इसी का हमने ट्रांसपोज कर दिया हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ी है क्या होती है ट्रांसपोज मैट्रिक्स मतलब कि रो को कॉलम में या कॉलम को रो में परिवर्तित कर देते हैं तो हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है वही गाइस इसी को हम क्या कर देंगे ट्रांसपोज कर देंगे तो ए बराबर ए बार का डैश यदि इस इसका जो आंसर आएगा वो ए के बराबर आ जाए तो हमारी कौन सी प्रूव हो जाएगी हमारी प्रूफ हो जाएगी हरमेसिन मैट्रिक्स इसको हम ए बार डैश को हम इससे भी प्रदर्शित करते हैं ए बार टी से और ज़्यादातर करते हैं ए टीटा से ओके गाइस हमारी हरमेसिन मैट्रिक्स बन जाएगी हरमेसिन मैट्रिक्स हमको प्रूव करने के लिए आती है ओके गाइस यहाँ पर लिख लीजिए गाइस यदि कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स यदि अपने संयुग्मी यानी कि कॉन्जुगेट समरिस यानी कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स यानी कि अब्यू के परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज के बराबर है उसे हरमेटियन या हरमेसियन आब्यू कहते हैं आब्यू कहते हैं ओके गाइस क्या होता है कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स यदि अपने कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर आ जाए तो उसमें क्या कहते हैं हरमेसियन मैट्रिक्स कहते हैं ओके गाइस अब हम इसका एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं जैसे कि हमें एक एग्जाम्पल ले ले रहे हैं एजकल टू मैंने कॉम्प्लेक्स मेट्रिक दी गई है वन टू माइनस का थ्री आई एंड थ्री माइनस का आई टू प्लस का थ्री आई फोर वन माइनस का थ्री आई एंड थ्री प्लस का आई और वन प्लस का थ्री आई जीरो ये हमको एक एग्ज़ाम्पल दिया गया अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो so सॉल्व करते हैं जैसे कि क्या है हमारा मेथड मतलब कि हर में से मेट्रिक्स प्रूव करनी है इसमें तो हम क्या करते हैं सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स मेट्रेस दी गई है हम क्या करते हैं उसका कॉन्जुकेट निकालते हैं तो कॉन्जुकेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे ए बार ए बार निकालेंगे तो क्या आएगा जहाँ पर हमारा प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा जहाँ पर हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर दी गई है वहाँ पर हमारा प्लस है जहाँ पर माइनस हो जाएगा तो जैसे कि वन यहाँ पर टू प्लस का थ्री है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टू माइनस का थ्री आई यहाँ पर थ्री प्लस का आई है यहाँ पर हो जाएगा थ्री माइनस का आई यहाँ पर टू माइनस का थ्री आई है यहाँ पर हो जाएगा टू प्लस का थ्री आई यहाँ पर फोर इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही नहीं और इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ पे वन प्लस का थ्री है तो वन माइनस का थ्री आई थ्री माइनस का है तो थ्री प्लस का आई वन माइनस का थ्री है तो वन प्लस का थ्री आई एंड जीरो ये हमारा कॉन्जुगेट आ गया इसी का हम ट्रांसपोज निकालें ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या करेंगे ए टीटा या इसको आप ए बार डैश से भी प्रदर्शित कर सकते हैं या ए बार टी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं आप किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं यानी कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं निकालते हैं हम क्या करेंगे जो हमारी रो है उसको हम कॉलम में परिवर्तित कर देते हैं सभी सभी रो को सभी कॉलम में मतलब परिवर्तित कर देंगे या कॉलम को उठा करके कॉलम को उठा करके रो में परिवर्तित कर दो बस एक चीज़ करनी है या तो आप रो को उठा करके कॉलम में परिवर्तित करो या कॉलम को उठा करके रो में परिवर्तित करो ओके गाइस तो हम करते हैं क्या जैसे कि हम रो को उठा करके कर कॉलम में कर देते हैं वन टू माइनस का थ्री आई और यहाँ पर क्या है थ्री माइनस का आई और इसमें यहाँ पर क्या है टू प्लस का थ्री आई यहाँ पर फोर सॉरी हाँ सही है सही है यहाँ पर फोर और यहाँ पर आएगा वन माइनस का थ्री आई यहाँ पर क्या आएगा थ्री प्लस का आई और वन प्लस का थ्री आई एंड जीरो तो गाइस हमने क्या निकाला ए टीटा निकाला ए टीटा क्या आया हमारा वन टू प्लस का थ्री आई थ्री प्लस का आई टू माइनस का थ्री आई फोर वन प्लस का थ्री आई थ्री माइनस का आई माइनस का वन माइनस का थ्री आई और जीरो तो गाइस आप देख सकते हैं कि ए बराबर हमें जे ही दिया गया था और हमने जो निकाला कॉन्जुकेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स तो भाई क्या आई बाई भी हमारी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के बराबर आ गई तो चूंकि हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि जो ए है एजकल टू ए टीट इसलिए इसलिए ए इज यानी कि मैट्रिक्स इज़ अ हरमेसियन मैट्रिक्स हर मेसियन मैट्रिक्स गाइस ये हमारा एक क्वेश्चन भी हो गया और एक एग्जांपल भी हो गया है ना तो हमने यहाँ पर अपना खाते तीन डेफिनेशन पढ़ ली तो गाइस हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल टू पॉइंट जीरो पर सो so, हाँ गाइस और लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें गाइस थैंक यू गाइस